हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो अगला दिन शुरू हो गया है और आज मैं जाने वाला हूँ गुप्तेश्वर महादेव केव, डेविस फॉल और वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जिसको विश्व शांति स्तूप बोलते हैं। तो वहाँ मैं जाने वाला हूँ और मैं निकल रहा हूँ अभी हॉस्टल से। आई एम रेडी टू लीव। चलिए बाहर रोड पे चल के फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से। तो भाई साहब, हॉस्टल के बाहर मैं खड़ा हूँ और अभी सबसे पहले तो मुझे इंतज़ाम करना है एक बैग का, क्योंकि ये बैग मुझे लग रहा है कि आज ये धोखा देगा मुझे ज़रूर। तो एक अच्छा सा डिसेंट सा बैग मैं ख़रीदूँगा अभी पहले और फिर निकलेंगे गुप्तेश्वर महादेव की ओर। तो उस तरफ कुछ शॉप्स मैंने देखी थी मैं जब फर्स्ट डे उधर गया था। वैसे तो उस तरफ मार्केट ख़त्म हो जाती है, कुछ खास है नहीं उधर। ये रास्ता जाता है सारंगकोट की ओर। तो चलिए उस रोड पे चल के देखते हैं वहाँ किस तरह का, अगर कोई अच्छा सा बैग मिलेगा मेरे को। और सुबह का टाइम है, हो सकता है थोड़ा सा प्राइस भी ठीक ठाक मिल जाए। चलिए चलते हैं। तो भाई साहब, बैग तो मैंने ले लिया, अब जा रहे हैं डेविस फॉल की ओर। डेविस फॉल है ऑलमोस्ट यहाँ हेलन चौक से 4.5 किलोमीटर। अगर आप पैदल जाना चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, शायद आधा घंटा लगेगा आपको। तो भाई मैं जा रहा हूँ पैदल चलते चलते डेविस फॉल की तरफ। और रास्ते में एक ये बहुत सुंदर सा ब्रिज है, ये देखो। और आप लोगों को शायद आवाज़ भी आ रही होगी पानी की। ये एक सस्पेंडेड ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज जिसको बोलते हैं। और ये देखो, ये आवाज़ आ रही है भाई साहब यहाँ से। ये है जी सुंदरता नेपाल की। ये चीज़ें आपको मतलब कहीं भी देखने को मिल जाएंगी। नेपाल का जो पहाड़ी इलाका है उस सब में। तो ये देखो कहाँ तक लंबी जा रही है, आई थिंक यही जाएगा डेविस फॉल तक, यही पानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविस फॉल तो मैं पहुँच गया भाई। और यहाँ पहुँचते नीचे ये छोटी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे। इसमें आप स्टॉल्स, टी शर्ट्स, लोअर पैंट्स वगैरह, ये सन ग्लासेस, खिलौने, टॉयज़ वगैरह आप ख़रीद सकते हैं। काफ़ी हैंडमेड आइटम्स भी हैं यहाँ पे। तो पता करते हैं क्या है सीन यहाँ का, कैसे टिकट लगती है या बिना टिकट जाना है या क्या, कैसे जाना है। तो मैं एक बार, हाँ टिकट लगती है, मेरे को टिकट काउंटर दिख गया। तो अभी टिकट काउंटर पर टिकट लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको कितने की टिकट है और कैसे कैसे जाना है। तो 80 रुपीज़ की टिकट है भाई इंडियंस के लिए, इंडियंस के लिए नहीं, शायद सार्क कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके लिए 80 रुपीज़ की है। और बाकी इनसे अलग जो भी बसते हैं उनके लिए 100 की। और नेपाली लोकल्स के लिए है 40 रुपीज़ की टिकट। तो सामने एंटर करते ही एक ये एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है यहाँ पे कि किस तरफ क्या है। फोटो जोन विद नेपलीज कल्चर कॉस्ट्यूम्स, मनकामना भगवती, लॉर्ड बुद्धा, समर हाउस, डेविस फॉल, अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज। तो ये है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, लॉर्ड बुद्धा से। तो उधर गेट से एंटर करते ही लेफ्ट साइड में एक ये है, भगवान बुद्ध की एक मूर्ति रखी गई है यहाँ पे। तो लॉर्ड बुद्धा का एक छोटा सा स्टैचू है यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। अब नेपाली सांस्कृतिक पोशाक संघ फोटो खींचने ठाऊँ, फोटो जोन विद नेपालीज कल्चर कल्चरल कॉस्ट्यूम्स। तो यहाँ आप नेपाल की जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। ये पत्थर के कुछ स्टैचूज यहाँ बनाए हुए हैं, एक ये तोड़ दिया गया शायद, दो नहीं तोड़ा नहीं है वो पीछे वाला, वो बस बीच में जगह छोड़ रखी है। और ये पहलवान जी ये हैं कुछ नेपाल के रीजनल जो कॉस्ट्यूम्स हैं। तो गेट से राइट साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ एक शिव परिवार की पत्थर की मूर्ति है, जिसमें एक शिवलिंग, गणेश भगवान और एक नंदी जी की मूर्ति है। चलिए ये है डेविस फॉल का रास्ता नीचे जाने का, चलिए चलते हैं हम नीचे।
तो ये है भाई साहब डेविस, डेविस एक्चुअली ये डेविस फॉल नहीं है, डेविस फॉल है ये, बहुत पावरफुल है ये जो पानी का झरना है, तो इसमें से अगर कोई गिरता है तो सच में बचने के चांसेस बहुत कम हैं। और ऐसा ही एक किस्सा है इस फॉल के नाम के पीछे कि डेवी नाम की कोई विदेशी महिला थी जो जिनकी यहाँ से गिर के मौत हो गई थी, इस झरने में वो गिर गई थी, तो उनके पिता के आग्रह पर फिर इस झरने का नाम डेवीज फॉल उस लड़की के नाम पे रख दिया गया जिसको आज डेवीज फॉल बोलते हैं। तो एक्चुअली ये डेविस फॉल नहीं है, ये डेवीज फॉल है और ये इसके पीछे की कहानी है जो अभी बताई मैंने आपको, पर ये बहुत सुंदर है सच में। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ, वहाँ जो ऊपर प्लेटफॉर्म है वहाँ से दिखाता हूँ आपको। तो भाई आप देख सकते हैं कि ये झरना, ये जो पानी आ रहा है ये कभी यहाँ ऊपर तक बहता था, जहाँ तक ये अभी पत्थर कटा हुआ दिख रहा है आपको, ये सारा पानी के हजारों सालों के जो अंतराल में पानी ने इसको पत्थर को काट के अपना रास्ता बनाया है, ये थोड़ा सा पत्थर कट कट के नीचे भी हो गया इसका स्तर पानी का। और यहाँ जो गहराई है जहाँ ये पानी गिर रहा है, ये भी पानी ने हजारों सालों में इसकी गहराई इतनी बढ़ा दी है, पर इससे पहले तो शायद ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जो निशान हैं, ये पत्थर के कटने के ये यहाँ पे जो निशान है, शायद यहाँ तक भी पानी बहता होगा इसका कभी। कुदरत बहुत शक्तिशाली है भाई, कुदरत जब कुछ देती है हमें तो बदले में सिर्फ संरक्षण मांगती है कि आप उसको पोल्यूट ना करें, उसको बर्बाद ना करें। ये चीज़ें यदि ख़त्म हो गई तो हम इनको वापस नहीं ला सकते हैं, पहाड़ नदियाँ झरने तालाब ये सब नहीं आने वाले हैं, जो साफ पानी हमें मिला है ये नहीं मिलने वाला दोबारा। ये है जी नेपाल पोखरा का डेविस फॉल और यहाँ का हो गया है ख़त्म सफ़र, डेविस फॉल मैं आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ गुप्तेश्वर महादेव, तो वहाँ जाके महादेव जी के दर्शन करवाऊँगा अगर अलाउड होगा वहाँ कैमरा वीडियो बनाना और फोटो क्लिक करना, तो जैसे भी होगा वीडियो अलाउड होगी तो वीडियो, नहीं तो मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा, अगर फोटो भी अलाउड नहीं तो मैं कैमरा नहीं चलाने वाला अंदर, आप लोगों को इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। और डेविस फॉल से आगे बाहर आप हमारे राइट साइड पे है गुप्तेश्वर महादेव, अब चलते हैं वहाँ, वहाँ भी दिखाता हूँ आपको कैसा माहौल है वहाँ के अंदर महादेव का मंदिर, चलिए चलते हैं। तो डेविस फॉल से ये इतना ही दूर है भाई, यहाँ ये डेविस फॉल है और इधर ये आप देख सकते हैं सामने ये गुप्तेश्वर महादेव जी का गुफा का प्रवेश द्वार है, बस इतना ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आमने सामने ही कह सकते हैं इनको, तो चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। गुप्तेश्वर महादेव गुफा प्रवेश द्वार, चलिए यहाँ से भी अंदर एंटर करते, ये दोनों तरफ दुकानें हैं आप इन पे ये खरीद सकते हैं, यहाँ की वेस्टर्न टोपी वगैरह है और यहाँ की नेपाली ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं, ढाका टोपी वगैरह भी आपको मिल जाएगी। तो आ गए हैं जी हम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, चलिए आपको पहले ऊपर से दिखाता हूँ मंदिर कैसा है। सामने टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से इस तरफ हम जाएंगे तो ये गुफा का रास्ता है, यहाँ से होते हुए सब लोग नीचे चले जाते हैं, ये गुफा तक जाने का नीचे रास्ता है, ये लोग जा रहे हैं सब, तो चलिए अभी लेते हैं टिकट और फिर पता करते हैं कि मंदिर कहाँ है और गुफा कितने नीचे तक जाती है। तो चलिए जी चलते हैं नीचे मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में तो कैमरा अलाउड नहीं था, मैं आ गया हूँ मंदिर से नीचे और यहाँ पे हर जगह पानी पानी टपक रहा है गुफा में से, ये देख सकते हैं आप, लाइट्स भी ठीक ठाक हैं, यहाँ लाइट्स लगाई गई हैं,
अच्छी खासी लाइटिंग की गई है और यहाँ पे सपोर्ट भी दिया गया है, कंक्रीट का सपोर्ट दिया गया है यहाँ। आई थिंक ये थोड़ी सी बड़ी की गई है बाद में, गुफा थोड़ा सा और फैलाया गया है इसको। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसी है आगे तक। थोड़ा सा मुझे सावधान रहना पड़ेगा पानी से, क्योंकि अगर कैमरा पे पानी गिरा, एक दो ड्रॉप अगर गिर गया तो ये टैं बोल जाएगा फिर। हमारे हरियाणा में बोलते हैं टैं बोल गया, तो ये कैमरा टैं बोल जाएगा थोड़ा सा पानी गिरते ही, क्योंकि इसमें मोटर्स हैं, मोटर स्टेबलाइजेशन है इसमें, मोटर ख़त्म हो जाएंगी इसके। तो ये है सर गुफा का एंड। गुफा के अंत में ये मूर्ति है, मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ ये किसकी है, शायद महादेव जी की मूर्ति है, ये दो मूर्तियाँ रखी हैं यहाँ। तो चलिए अब चलते हैं वापस, गुफा तो हो गई ख़त्म, वैसे और भी नीचे जाने का है रास्ता, पर और तो चलिए अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई साहब, मैं अपने फ़ोन से, हो सकता है थोड़ी सी डल हो क्वालिटी, क्योंकि काम वही हो गया जिसका मैं बोल रहा था, मेरे कैमरा पे एक दो पानी के ड्रॉप्स गिर गए मोटर के ऊपर, तो मैंने इसको बंद कर दिया कुछ देर के लिए। तो यहाँ से बाहर निकल के फिर चलाऊँगा उसको धूप में। वैसे तो नीचे जाने का ये रास्ता है, ये स्टेयरकेस बना हुआ है जो यहाँ से, पर नीचे जाके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये स्टेयरकेस नीचे उतरते यहाँ ख़त्म हो जाता है, और नीचे है एकदम पानी भरा है, शायद फॉल का जो डेविज फॉल था उसका पानी यहाँ आता है, और उस पानी में है कचरा। तो भाई साहब थोड़ा सा शर्म करो यार, क्यों इन चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। टोटल प्लास्टिक का कचरा पड़ा है भाई साहब यहाँ, बोतल्स, प्लास्टिक के लिफाफे, पोलिथीन पैकेट्स वगैरह, पता नहीं क्या से क्या, टोटल 100% यहाँ पे प्लास्टिक का ही कचरा है, और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला यहाँ से। पता नहीं क्यों लोग इतना बेहुदा काम करते हैं, समझ से बाहर है, शर्म करो यार थोड़ी बहुत। तो भाई अब चलते हैं गुफा से बाहर, महादेव जी के दर्शन भी हो गए गुप्तेश्वर महादेव के, और ये है सर यहाँ इस तरह के फुटस्टेप्स, मतलब ये पैर रखने की जगह बनाई हुई है, वैसे तो फिसलन भरी है गुफा क्योंकि पूरी तरह से गीली है। अरे भाई हाँ, ये भाई साहब जो हैं हमारे, हेलो राम हरि अधिकारी, हाँ तो भाई साहब राम हरि अधिकारी ये हरियाणा में रहे हैं 5 साल, तो अभी मेरी इनसे बात हुई थी बाहर, काफ़ी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे हमारे हरियाणा को भी। तो भाई साहब कीप इट अप, अच्छे काम को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छा करे हरियाणा वालों, हरियाणा ने बिल्कुल, बहुत गरीबदास जी महाराज की वाणी है ये, मैं कबीरपंथी से हूँ, संत रामपाल जी महाराज का चेला भी हूँ, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हूँ। हाँ तो चलिए सर आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो कोई बात नहीं, महादेव जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, आस्था बहुत अच्छी है, आस्था अपने आप में है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, विजिट के लिए आया हूँ थोड़ा घूमने के लिए। हाँ 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 बिल्कुल, मैं थोड़ा नेचुरल नहीं, मैं भी नहीं, पहाड़ नदियाँ झरने ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये प्राकृतिक परमात्मा की सृष्टि है। हाँ, पर गंदी है, नीचे जो झरना का पानी गिर रहा है ना, उसमें प्लास्टिक का कचरा लोगों ने इतना फेंका हुआ है, क्या करें, ये बर्बाद कर रहे हैं, हर कहीं का यही सिस्टम, ये बर्बाद कर रहे हैं इसको। चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आते हुए थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि गीली है गुफा, वैसे तो कंक्रीट है, इस पर ग्रिप अच्छी मिलेगी आपको, पर फिर भी थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं, सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। कंक्रीट है और ऊपर से ये इस तरह के पैर रखने की जगह बहुत अच्छे से बनाई हुई है यहाँ पे, और गुफा से आपको थोड़ा सा झुक के निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि गुफा यहाँ है थोड़ी सी भेड़ी और नीचे भी है, मतलब ये है बस इतनी हाइट है इसकी, तो यहाँ से आपको झुक के निकलना पड़ेगा। अरे बाप रे, तो थोड़ा सा ही है ये झुक के निकलने वाला रास्ता, और बाकी आगे ठीक है, आप आराम से चल सकते हैं, चलने के लिए भी काफ़ी जगह है यहाँ, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। चलिए अब निकलते हैं बाहर यहाँ से, वापस से मैं गुप्तेश्वर महादेव के
जो कक्षा है उसमें पहुंचने वाला हूँ, तो वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, मैं करता हूँ बंद। अब आप लोगों से बात करूँगा मैं बाहर निकल के, चलिए चलते हैं। तो भाई महादेव के मंदिर से तो हम निकल लिए गुप्तेश्वर महादेव से, अब जाना है वर्ल्ड पीस पकौड़ा, तो चलिए चलते हैं। ये मेरे पीछे उनका प्रवेश द्वार है महादेव जी के मंदिर का, और वर्ल्ड पीस पकौड़ा है मेरे सामने वाले बिल्कुल ठीक सामने जो पहाड़ है उस पर, वो है ये वाला। तो यहाँ है वर्ल्ड पीस पकौड़ा जिसको विश्व शांति स्तूप भी बोलते हैं, तो वहाँ तक अब जा रहा हूँ मैं। वो यहाँ महादेव के मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर है, पैदल अगर जाऊँगा 3 किलोमीटर तो वो मेरे को लगेगा तकरीबन, चढ़ाई है थोड़ी सी, हो सकता है 1 घंटा लग जाए। तो चलिए वहाँ पहुँच के फिर दिखाता हूँ आप लोगों को स्तूप कैसा है, वो विश्व शांति स्तूप, और अगर रास्ते में कुछ होगा दिखाने लायक तो वो भी आपको जरूर दिखाऊँगा।